पिछले कई वर्षों से ड्राइवरों की आवाज़ भी उठा रहे हैं, ड्राइवर आयोग की मांग कर रहे हैं, ड्राइवर के दिवस सम्मान की मांग कर रहे हैं, ड्राइवर की सुरक्षा के लिए कानून की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा सरकार ने हमारे को 2024 में तोहफे में क्या दिया है, एक हिट एंड रन का काला कानून। तो ये काला कानून ना तो ये किसी ट्रांसपोर्ट के लिए है, ना ही किसी इंडस्ट्रीज मैन के लिए, ये एक आम ड्राइवर, आम जनता और एक आम मजदूर के लिए ये कानून थोपा गया है। तो इसी कानून को हम रद्द कराने के लिए आज दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे हमारी टीम, और देखा जा रहा है हमारा जो पूरे भारत में ड्राइवर चक्का जाम करके बैठा है, जगह जगह प्रदर्शन कर रहा है, वो जो नेशनल मीडिया नहीं दिखा पा रही है। तो मैं सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आप जमीन पर रहकर हकीकत और सच्चाई को आप जनता तक पहुँचा रहे हो। और आज अगर ट्रांसपोर्टरों के जरिए से हमारे ड्राइवर भाइयों को जो गुमराह किया गया है कि ये ट्रांसपोर्टरों के लिए कानून नहीं है, उनकी तरफ से जो ये अफवाह फैलाई गई है कि ये काला कानून रद्द हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ड्राइवर की बात ड्राइवर से करें तो बेहतर है, क्योंकि हमेशा हमारा जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक भी हमारा ड्राइवर भाइयों का इस्तेमाल किया गया है। तो हम अभी हमारा जो ड्राइवर जागरूक है आज जो हड़ताल पर उतरा हुआ है, तो ये ड्राइवर की ताकत आज आपको देखने को मिली पूरे भारत के अंदर कि ड्राइवर की क्या अहमियत है। देखो सर जी, हर कोई इंसान, अभी सर्दी का मौसम है, कोई आ नहीं सकता, बाकी कोशिश है हमारा, जितने भी अन्य कितने संगठन यहाँ इकट्ठे हुए, कितने ड्राइवर समाज इकट्ठे हुए, यहाँ एक यूनियन लीडर नहीं है, यहाँ हमारा कोई ड्राइवर नहीं आया, सिर्फ संगठन के कार्यकर्ता है। मान के चलो कम से कम 2-3 हज़ार हमारे कार्यकर्ता है। अब इनके पीछे जो ड्राइवर समाज है कितना, रोडों पर जो चल रहा है, जो अभी देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो चक्का जाम करके रुके हुए हैं, तो ये काला कानून सभी के लिए सबसे ज्यादा घातक है, आम जन के लिए। तो इसे वापस लिया जावे, और खुद हमारे गृह मंत्री जी टीवी पर जिस तरह से बना है, कहीं ना कहीं ड्राइवर लोग भी गलती करते थे, एक्सीडेंट कर भाग जाते थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ सर जी, देखो आज ड्राइवर सबसे ज्यादा जो हादसे का शिकार कहाँ होता है, एक तो जो रोडों पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अवैध वसूली पे, बीच रोड पे गाड़ी रोक देना, और जानवर हमारे आवारा पशुओं को रोड पे जो घूमते हैं उनकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होता है। यानी कि ड्राइवर 24 घंटे देश की सेवा करता है, नींदों के कारण, कुछ मोटर मालिकों के दबाव के कारण, कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्राइवर के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो उनका हादसा हो जाता है। दूसरी बात, जो ये काला कानून जो बना है हिट एंड रन का, ये बाहर विदेश से लाया गया है। जो ड्राइवरों की फैसिलिटी है, जो सुरक्षा है, जो विदेश में है, वो तो इन्होंने लागू नहीं की, डायरेक्ट कानून थोप दिया है। उससे पहले ड्राइवर की सुरक्षा का कानून अगर होता तो बेहतर रहता। सुरक्षा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ड्राइवर के बच्चों के भविष्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सर जी, ये बिल्कुल ऑन कैमरे नहीं आए, ये खाली जो ट्रांसपोर्टर है जो हमारे हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये वो लोग बोल रहे हैं। अभी भी हमारे अमित शाह जी ने ऑन कैमरा आकर ये चीज नहीं बोला है। और इससे पहले जो ड्राइवर आवाज उठा रहा है, जगह जगह चक्का जाम है, वो किसी मीडिया ने दिखाया है क्या? एक सोशल मीडिया दिखा रही है। और अभी जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान रखा है काले कानून के लिए, टीवी पे आके बोला है, संसद में बोला है, तो यही काले कानून के बारे में अगर वो रद्द कर चुका है तो टीवी पे आए और बोले, और डायरेक्ट ड्राइवर से बात करे, ड्राइवर को संतुष्टि दे। नहीं वापिस करेंगे तो इससे आगे, अभी तो देखो हमारा स्टेरिंग छोड़ो अभियान चल रहा है, हम सभी ड्राइवरों को अपने ज्यादा से ज्यादा घर बुलाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम एक चक्का जाम, एक बड़ा ऐसा आंदोलन का तैयारी करेंगे, और जो कि तैयारी चालू हो भी चुकी है, हम चक्का जाम करेंगे पूरे भारत में। अच्छा मुद्दा उठाया कि रोड पे आवारा पशु घूमने लगते हैं, जी गाय भैंस घूमने लगती है, लेकिन गाय को इस देश में राष्ट्रीय माता कुछ लोग मानते हैं, और कुछ आप लोग बोलेंगे तो क्या उनके राष्ट्रीय माता को मानते हैं, अच्छी बात है, पर उस राष्ट्रीय माता के लिए तो कोई व्यवस्था बनाए ना, क्या राष्ट्रीय माता के इसलिए बनाया है खाली आवारा पशु आवारा की तरह छोड़ने के लिए? अभी भी तस्करी करे जा रहे हैं, इसमें बहुत से लोग देखे जा रहे हैं, जो जो ये गौशाला के जो नाम पे जो हमारे जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, वही गाय माता का शोषण कर रहे हैं, रोड पे छोड़ रहे हैं, और इससे हमारा ड्राइवर सबसे ज्यादा हादसे का शिकार होता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाना। अच्छा, आप लोगों के प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग आ जा रहे हैं जो बोल रहे हैं कि ये सारे कानून बहुत सही है, जो एक ड्राइवर भी है उनके लिए क्या? सर जी देखो, हर किसी महकमे में, हर किसी डिपार्टमेंट में कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो समाज के अंदर भला नहीं होना चाहते, बाकी कुछ लोग हमारे बीच में जो ये बहरूपिया जो घुसे है ना, ये खाली ये साबित करना चाहते हैं सरकार के पक्ष में, सरकार के खिलाफ नहीं बोलने देने चाहते। तो आज जो आम ड्राइवर, आम जन, आम जनता इस काले कानून का फुल जोर से विरोध कर रहे हैं, जो कि हमने कल अपने डीसी साहब को और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया, हमने डीसी साहब को भी दिया है, और प्रधानमंत्री जी को भी भेजा, राष्ट्रपति को भी भेजा है, तो अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं निकला है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ
हमारी इन मांगों को सरकार जरूर सुनेगी और इस काले कानून में बदलाव किया जाए, इस पर किया जाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए।